ये मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा हूँ लोकसभा में और राज्यसभा में। संसद चलाना और विधानसभा चलाना सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष से बात करके, तालमेल बना के, बीच का रास्ता ढूंढ के। इस दफे विधानसभा शुरू से ही उन्होंने 4 दिन की ही बुलाई, उससे उनकी नियत समझ सकते हैं। 1 दिन जाना था श्रद्धांजलि में, नियत साफ थी, इसका मतलब केवल 3 दिन। और बाढ़ के मुद्दे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं, यूरिया का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कोविड का मुद्दा है, और 3 दिन रखे। उस 3 दिन में चाहते थे बजट भी पास कर देंगे, जो इंटरिम बजट होता है उसको भी पास कर लेंगे। नियत स्पष्ट थी कि वे नहीं चाहते थे कि उनकी किसी बात का खुलासा हो। ये दबाने की और छिपाने की राजनीति जो ये करना चाह रहे हैं, जिससे सोचते हैं कि जनता गुमराह हो जाएगी, ये सामने दिखा इस विधानसभा में। 1 दिन तो श्रद्धांजलि के लिए स्थगित हुई, दूसरे दिन 3 घंटे चली, 3 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे चली। और मैंने मांग रखी, पहले दिन मैंने मांग रखी, आदिवासी दिवस को क्यों आपने बंद किया? आदिवासियों का सम्मान, आदिवासी तो सम्मान का भूखा है। आदिवासी दिवस के लिए हमने, हमारी सरकार ने छुट्टी डिक्लेयर करी थी। ये अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, हमने छुट्टी डिक्लेयर करी थी, हर ब्लॉक को पैसा दिया था कि वह ये त्यौहार अच्छी तरह मनाएं। दूसरे दिन मैंने कहा कि हमने स्थगन प्रस्ताव मूव करें, आप उसमें से एक स्वीकार कर लीजिए। वो कह सकते थे कि स्थगन के रूप में नहीं, किसी और रूप में ले आइए, कोई चीज़ स्वीकार नहीं। और जो हमने ध्यान आकर्षण दिए थे, कम से कम 20 ध्यान आकर्षण थे, कोई स्वीकार नहीं। तो करें क्या, हम क्या सजावट के लिए बैठे हैं? और विधानसभा समाप्त हो गई। ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर भी हमने, ओबीसी रिजर्वेशन की बात मैंने उठाई कि इस पर चर्चा कर लें, इस पर भी चर्चा करने को तैयार नहीं। बेरोजगारी पर चर्चा करने को तैयार नहीं। किसान पीड़ित है, किसानों का दुख दर्द पर चर्चा करने को तैयार नहीं। कोविड पर चर्चा करने के तैयार नहीं। आज जो बाढ़ आए ग्वालियर चंबल साइड में, उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं। तो ऐसी सरकार जिसकी आंख बंद है, कान बंद है, उनकी नियत इससे स्पष्ट होती है। हुड्डा से ये एकजुट हो सकते थे तो इनको लड्डू पार्टी अब देनी चाहिए, शायद उससे और नज़दीक हो जाए।